हाय गाइस, आज बनाएंगे हम छोले आलू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्ची करके रख लिया, इसका पेस्ट बनाऊंगी। टमाटर को मैं घिया कस करूँगी और अनियन कट करूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले आलू। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल और आलू प्याज फ्राई हो गए, टमाटर प्यूरी कर लिए और ये लहसुन और हरी मिर्च, इसका मैं बना रही हूँ पेस्ट। इस तक मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। डाल दूं थोड़ा सा अदरक, अदरक मिर्ची पत्ती, हम लाल मिर्ची नहीं खाते, हम गिरी मिर्ची नहीं खाते। इसमें डाल देंगे मसाले, हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक, मैंने मसाले में कूट रखा है, थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल, पानी मैंने गर्म करके रखा था। इसको मसाले को कवर कर लूंगी 5 से 10 मिनट तक, इसको अच्छे से धीरे आंच में फ्राई होने दूंगी और जब मसाला छोड़ देगा उसके बाद ही सब डालूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट। देखते हैं मसाला मसाले में तेल छोड़ दिया, इसमें डालूंगी आलू, और डाल देंगे इसमें छोले, आँच तेज कर देंगे गैस की फ्लेम
ले और आलू के अंदर चला जाए। दो मिनट ऐसे करके हम वो होने देंगे, पकने देंगे। दो मिनट हो गए, देखते हैं। अब इसमें डाल देंगे मैं गरम पानी ग्रेवी के लिए। आपकी मर्जी है आपको ग्रेवी कितना थिक रखना है या पतला रखना है। मुझे राइस के साथ भी खाना है इसीलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी पतली रखी है। इसको ढक देती हूँ और बॉईल होने देती हूँ। जब तक सब्जी पक रही है हम बर्तन धो लेते हैं, इससे टाइम की बचत हो जाएगी। देखते हैं सब्जी हमारी पक गई कि नहीं पक गई। सब्जी हमारी हो गई है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लो कि ठंडा होने के बाद तो ये ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा। मेरी सब्जी ऑलमोस्ट डन हो गई है। गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसको लगा देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।